उड़े यूं ही ऊंचा तिरंगा झंडा भारत का। All lights ready? Ready sir. Cameraman sir, आप ready हैं? Take करें? Yes sir. पूजा करो। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Silence please. Silence. Clap in. Start sound. बचपन है ये देश पर संकट का लक्षण है। सिस्टर जल्दी से इंजेक्शन लाओ। अभी आई मातृ बेटे ठीक हो जाओगी, प्लीज दवा ले लो। गुड मॉर्निंग सर। इस दुर्घटना का कारण आप बता सकते हैं? बच्चों ने आइसक्रीम खाई, वही आइसक्रीम इस दुर्घटना का कारण है। आइसक्रीम? जी हाँ,
आइसक्रीम में कोई नशीली चीजें यानी कि ड्रग्स मिली हुई थी। व्हाट? ड्रग्स इन आइसक्रीम? यस सर, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए नशीली चीजों के गलत इस्तेमाल के बारे में हम हर रोज अखबारों में तो पढ़ते ही हैं। इस केस में भी वही हुआ। लगता है ये लोग आइसक्रीम और आइस कैंडीज में पहले भी नशीली चीजें मिलाते रहे हैं, मगर अब के बहुत ही अधिक मात्रा में मिलाई गई हैं। ड्रग इंसान के लिए जहर है, मौत है। यह है लोनली आइसक्रीम फैक्ट्री, जहां आइसक्रीम में नशीली चीजें मिलाई जाती हैं। यह है शंकर दादा, फैक्ट्री का मालिक। इसके साथ ही सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि कुछ सफेदपोश ऑफिसर्स और नेता भी हैं। इतने बड़े गैंग का लीडर यह अकेला नहीं हो सकता, जरूर कोई और बॉस है। इस गैंग को खत्म करने का काम कौन करेगा? यह काम भरत करेगा। यह काम सुभाष करेगा। यह काम शांति से करना चाहिए। नहीं, ये काम सिर्फ कांति से होगा। तुम या मैं, इसका फैसला ये स्ट्राइकर करेगा। लाल मेरा, सफेद मेरा। कॉन्स्टेबल्स, यहाँ जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जल्दी बाहर भेज दो। शंकर, शायद ये फूल देखकर तुम्हें वो बच्चे याद आ जाएं जिनकी तुमने जान ली है। वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं जनाब कि आप जब चाहे जहाँ चाहे घुस आए। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ये फूल तुम्हारी अर्थी पर चढ़ा दूंगा। ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। तुम लोग समझते हो कि गुंडागर्दी से कानून को रोका जा सकता है? यही तो भारत मार खा जाता है। देखो, मैं शांति चाहने वाला आदमी हूं। फालतू का खून खराबा मुझे पसंद नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना हाथ शांति से इसमें डाल दो। मेरे को गिरफ्तार करने के लिए हाथ में वारंट होना ही काफी नहीं, जिसमें करंट भी होना चाहिए। Thank you.
खून खराबा देखकर हंस रहे हो? आंसू बहाने चाहिए। स्टॉप, जाओ खून साफ कर दो उसका। नहीं, ये तुम बच्चों का दुश्मन है। खून बहता है तो बहने दो, मरता है तो मरने दो। तुम अगर इन्हें इसी तरह शांति का पाठ पढ़ाते रहे तो एक दिन ये दुनिया आंसुओं में डूब जाएगी। तुम अगर क्रांति का प्रचार करते रहे तो ये दुनिया खून में डूब जाएगी। जब कोई मर जाए तो कैप नहीं पहनी जाती। इस बच्ची की मौत से न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि सारे देश का सर शर्म से झुका हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में ड्रग्स का जाल बिछाने वालों में देश के कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस को स्पेशल पावर्स दी जाएं ताकि वो किसी दबाव में आए बिना अपराधियों को गिरफ्तार कर सके। ड्रग्स अभी तक विदेश से आए हिप्पियों या हमारे देश के बिगड़े हुए नौजवानों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये ड्रग्स आइसक्रीम के जरिए बच्चों तक भी पहुँचा दी गई हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और कुछ देशद्रोही हमारे देश का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, सरकार उन देशद्रोहियों को जो हमारे फूल जैसे बच्चों को जहर खिला रहे हैं कभी माफ नहीं करेगी। सर, आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको जरूर इस बारे में कुछ कहना चाहिए। मैं उन देशद्रोहियों को फौरन अरेस्ट करने का ऑर्डर देता हूं। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, देशद्रोही 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 जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, देशद्रोही। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? ड्यूटी, सॉरी सर, You are under arrest. किस बिना पर तुम इन्हें अरेस्ट कर रहे हो? इस फाइल के बिना पर। यह है लोनली आइसक्रीम फैक्ट्री। यहां ड्रग्स को आइसक्रीम में मिलाया जाता है। यह शंकर दादा, फैक्ट्री का मालिक। फैक्ट्री का लाइसेंस इन्होंने दिया। ये इस पार्टनर भी है। अब आप ही बताइए सर, इन्हें अरेस्ट ना करूं तो क्या करूं? ब्यूटी वाला भी देखो भूल गया ड्यूटी।
ब्यूटी वाला भी देखो भूल गया ड्यूटी, अपनी ब्यूटी की हमें भीख दे दी जा, दान दे दी जा, अरे जान ले दी जा। धंधे की कसम ये बंदे की कसम, हम पूरा कर देंगे जो तू कर दे हुकुम, तुझको देखा ना छूटा मन, ताक भिनक धिन धिन, ताक भिनक धिन धिन, ताक भिनक धिन धिन। कवि राजा ओ कपि राजा, कवि राजा ओ कपि राजा, जा रे जा जा तू आगे जा जा, कहां से तू आया मेरे घर पड़ने, आशिकी का भूत लगा क्यों चढ़ने, मैं कौन हूं तू जाने जा, क्यों चांद को तू छूने चला, हिमाल की लारी गंगा की गोदी में पली, गांधी का वतन मेरा वतन, बुद्ध की जमीन मेरा चमन। संतों से हमको क्या लेना, झूमना चाहे हम तेरे दो नैना, जल जाओगे तुम मुझको मत छूना, ओ गुस्से वाली चाहे दे गाली, थोड़ी सी दे दे अपने होठों की लाली, चारे मवाली मेरा रास्ता घर खाली, बच के जाओगी कैसे जा पाओगी, तुम अकेली हो अब पकड़ी जाओगी, महके तन तेरा जो रजनी गंधा, खुशबू लेने को आया है बंदा, तुम नचाना हम नाचेंगे बन बन के बंदर, अरे है तेरे अंदर अरे कोई जंतर मंतर। आधी रात में ना कोई साथ में, अकेली खड़ी क्या मुश्किल में पड़ी,
जन्म लिया है। तुम दोनों ने हमारे लिए जन्म लिया है जवान। अंकल, आंटी, तुम तैयार हो? तैयार हूँ। जरा ठहरिए। देश के लिए जियो और देश के लिए लड़ो। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वरना मुझ जैसी अनाथ लड़की पर आप लोग इतना प्यार क्यों लुटाते? खबरदार जो फिर से अपने आप को अनाथ कहा तो, वरना मैं अपने जवान से कहकर तेरे मुंह पे ताला लगा दूंगी। हाथों से नहीं, होठों से। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लगा दूं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं अनाथ नहीं हूँ। राइट। आपके फ्रेंड की बेटी नहीं हूँ। दैट्स इट। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहुरानी हूँ, आपके घर की लक्ष्मी हूँ, है ना? लक्ष्मी होकर सुना है तू सरस्वती माँ की पूजा करती है, टीचर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। अच्छा बता, तूने वहाँ क्या सीखा है? हाँ, बता बता बता। क्या बताऊँ, वहाँ की बात याद आते ही मैं तो हवा में उड़ने लगती हूँ।
तुझे नींद आई क्या? तो क्या सपना देख रहे थे? जब सपना सामने हो तो उसे अपना बनाने का तरीका सोचा जाता है। रात के 2 बज चुके हैं, चलो अब चुपचाप सो जाओ। अरे रे, आज की रात ना तुम सोओगी ना मैं, आज हम दोनों रत जगा करेंगे। ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। मैं सब कहां बोल रहा हूँ बुद्धू, मैं मोहब्बत की किताब का सिर्फ पहला शब्द पढ़ना चाहता हूँ। ना बाबा ना, मोहब्बत की किताब में डैश कॉमा फुलस्टॉप सब कुछ नहीं होता। अगर तुमने पहला शब्द पढ़ लिया तो बिना रुके आखिरी शब्द तक पढ़ते चले जाओगे, इसलिए 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 सो सॉरी, गुड नाइट। तो अब सोएंगे? जी हाँ। अभी अभी इसी वक्त? इसी वक्त इसी बेड पे? जी हाँ। आराम से? बड़े आराम से। जाम। Happy, happy birthday, happy birthday to my love. बच्चो, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? अपने हीरो के पास। ज्योति 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 ज्योति, अरे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मेरी आवाज को? मैं तुम्हारा शेर बोल रहा हूँ। वो तो समझ गई, मगर कहाँ से बोल रहा है? जंगल से, सर्कस से, या चिड़ियाघर से? ये शेर गीता में से बोल रहा है। गीता में से? हाँ, गीता को खोलो। अरे रेडियो? रेडियो नहीं, वायरलेस सेट है। वायरलेस सेट? पास वाले बॉक्स में माइक्रोफोन और ईयरफोन हैं। हाँ। ईयरफोन को अपने कान में लगा लो। लगा दिया। और बात करने के लिए माइक्रोफोन को अपने शर्ट में लगा लो। ज्योति ऐसा करो, अब वो जो गीता है उसे हाथ में लेकर सीधा गैरेज में आ जा। बचपना नहीं, जवानी पना है। देखो एक वायरलेस मेरे पास है और एक तुम्हारे पास भी हो गया। आज से हम दोनों जमीन पे हो या आसमान पे, दुकान में हो या मकान में, बेडरूम में हो या बाथरूम में, दफ्तर में हो या बिस्तर में, आपस में आराम से बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आज से ऑल इंडिया लव स्टेशन स्टार्ट। अब 24 घंटे हम दोनों का प्रेम प्रोग्राम चालू। यही हमारा हीरो। कौन हो तुम लोग, क्या बात है? अंकल, हम आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। क्या क्या करना चाहते हो? न्याय के लिए युद्ध। अगर मैं इनकार कर दूं तो?
हम अभी अपनी जान दे देंगे। और अगर मैं हाँ कर दूं तो? तो हम भी आपके साथ देश के लिए अपनी जानें लड़ा देंगे। डन। अरे वाह, आज तो मेरे हीरो को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ए सुभाष। थैंक यू। लोग ठीक कहते हैं, जब तालियां मिलती हैं तो आदमी गालियां भी नहीं सुन पाता, फिर ये प्यार के बोल क्या सुन पाएगा। ए सुभाष, ए सुभाष। हाँ ज्योति। मेरा नाम ज्योति नहीं, स्वाति है। और तेरा चेहरा देखकर बंदरिया की याद आती है। बंदरिया? तुमने मुझे बंदरिया कहा? पहले तो मस्का लगाते थे कि ज्योति तुम सोना हो, आज चांदी का कप क्या मिल गया, सारा सोना पिघल गया और मैं बंदरिया लगने लगी। अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। अरे ज्योति, मैंने बंदरिया तो इसे कहा था जो मेरे बगल में बैठी है। किस लिए? डियर और चेयर। बंदरिया चली है सर्पी चमेली का तेल लगाने। ओ प्लीज शट अप यार। आपने किसको बोला? आपको नहीं बोला, आप हंसती रहिए। अब किस लिए? क्या आपकी शादी हो गई? धड़ से शादी पर आ गई? बोल दो ना, नहीं हुई। नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे जैसी खटारा मॉडल अब तक नहीं मिली। बोल दो। ऐसी बातें पार्टी में नहीं करनी चाहिए, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है? प्लीज। क्या मुश्किल हो जाती है? प्लीज रिलैक्स। आप डाकुओं से तो बेधड़क लड़ जाते हैं, मगर हम लोगों के सवाल का जवाब देने में आपको मुश्किल होती है। कोई मुश्किल नहीं होती। ये किस लिए? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये किस लिए? हमारी शादी को पूरे 25 बरस हो गए, याद रखो। याद है, पूरे 25 बरस आप सिर्फ चुटकियां ही लेते रहे और आज आप रिटायर भी हो रहे हैं, एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सके। क्या आपको अपनी जान की कोई चिंता नहीं? मेरी जान मेरे पास है कहाँ? वो तो मेरे पास है। ये कमिश्नर तो गए, अब नए कमिश्नर आए हैं। भगवान करे वो दिल के बहुत अच्छे हों, एकदम मक्खन के माफिक। ला 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 ला। I have जल्दी कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी भेजो। अरे कल रिपोर्ट किया था ना, एक पागल कुत्ते ने हमारे मोहल्ले में कितने ही लोगों को काट खाया है। हाय लव। हाय डार्लिंग, स्वीटी कम। आगे देखकर गाड़ी चलाओ ना, एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। क्या करेंगे? कम ऑन। आई विल डिंग डंग डिंग डंग डिंग डा 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 डा। सॉरी सर, सर कूल ड्रिंक। सॉरी। आई विल How are you? Fine, अरे सर, तुम कब आई? आज। किस लिए?
रेखा मेरी क्लासमेट। Nice to meet you. हम दोनों कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। तुम लोग साथ में सिर्फ पढ़ते थे या? ए बात नहीं। Yes sir. I will suspend you. You are under arrest, Tishum. पुरवाई पुरवाई प्यार की ये पुरवाई जीवन में तन मन में जिसने आग भड़काई बरसाते ठंडी ठंडी बरसाते गोरी बिन साजन की कैसे कटेंगी रातें खिल खिल के
ऐसा कह रहा मिले हम मिले तुम देखे ना कोई चेहरा अंकल क्या ओम आश्रम से मेरे लिए कोई इंटरव्यू का लेटर आया था लेटर हाँ नहीं मैं किसी लेटर वेटर के बारे में नहीं जानता तुम जाके अपनी आंटी से पूछो अरे आंटी आंटी क्या है बेटी आंटी क्या ओम आश्रम से मेरा कोई लेटर आया है मैं किसी लेटर के बारे में नहीं जानती तुम सुभाष से पूछो ना सुभाष माँ क्या ये सच नहीं है कि उसका लेटर एक हफ्ता पहले आ चुका है हाँ हाँ सच तो है आ तो चुका है फिर आपने उसे झूठ क्यों बोला मैंने झूठ नहीं बोला उन्होंने जो कुछ कहा मैंने वही दोहरा दिया पति के कदम के साथ कदम मिला के चलना ही पत्नी का धर्म है डैडी क्या आप नहीं चाहते कि ज्योति टीचर की नौकरी करे नहीं नहीं जवान मुझे उसके नौकरी करने में कोई एतराज नहीं अगर उसने ये नौकरी कर ली तो उसे ओम आश्रम में ही रहना पड़ेगा ये इस लेटर में साफ साफ लिखा है हाँ हाँ वही रहना होगा वो ओम आश्रम का अपना एक कानून है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते बेटे तब तो जिसके चहकने से ये घर महकने लगा था वो बुलबुल यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी सच तो ये है बेटा कि वो हमारे अंदर सांस की तरह समा चुकी है मम्मी जब हम सांस लेते हैं तो उसे छोड़ना भी पड़ता है ज्योति की तमन्ना है कि वो माशम के बच्चों को कम से कम एक दिन तो पढ़ा ले उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है नौकरी मिल थोड़ी गई है अभी तो वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रही है आप अपना दिल छोटा क्यों करते हैं डैडी आप एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं आपका जिगर तो पत्थर का होना चाहिए पत्थर का सुभाष यस Thank you.
जाना मर जाएंगे जाना हमें तुम भूल जाना you
गुट्टी, आपको चोट कैसे लगे दादी? सीढ़ी चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और हम गिर गए। बहुत खून आया था। नहीं बेटी, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा, रो नहीं, रो नहीं बच्चों, हमें कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट आई थी, लेकिन जब तुम सबको हमारे लिए प्रार्थना करते हुए देखा तो हमारा सारा दर्द दूर हो गया। डॉक्टर, हमारे लिए भागने दौड़ने में कितने ही बच्चों ने अपने हाथ पांव तोड़ लिए हैं, इन सब की मरहम पट्टी कर दीजिए प्लीज। तुम? सर, मेरा नाम ज्योति है सर। इस आश्रम में टीचर की नौकरी के लिए आई हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ इनकी टीचर बन के रहो इतना काफी नहीं है, इन्हें प्यार और ममता का वरदान देकर इनके भविष्य को सुनहरा बनाने वाला एक फरिश्ता भी तुम्हें बनना होगा। Yes, sir. I will do my best. पंडित जी, जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, हरी अप। अप और डाउन कुछ दिखाई नहीं देता है यजमान, सारे नक्षत्र मौन धारण किए हुए हैं। अरे ओ पंडित जी, जी सारे नक्षत्र मौन है तो छोड़िए, आप तो अपना मौन तोड़िए और शादी के लिए शुभ दिन बोलिए। ये क्या बोलेगा, मेरा पुलिस नक्षत्र है जिसके सामने सब नक्षत्रों की बोलती बंद हो जाती है, और ज्योति का टीचर नक्षत्र है जिसके सामने सब चुप रहते हैं, इसीलिए तो दोनों के नक्षत्रों के आपस में पटरी बैठती है। मान्यवर, जब आपने पटरी बैठाई ली है तो शादी की रेलगाड़ी भी उस पर चला दीजिए। मुझे क्या घंटा बजाने को बुलाया आप? अजी, घंटा बजाने के लिए नहीं, हरी झंडी दिखाने के लिए। कोई भी शुभ काम करने के लिए पंडितों की सलाह तो लेनी ही पड़ती है। मेरे ख्याल में अगले महीने में शुभ मुहूर्त जरूर निकलता होगा। पहले ये बंदूक को दूर रखिए वरना ब्रह्म हत्या हो जाएगी। हत्या हो तो हो, गोली मार दूंगा। अगले महीने क्या, अगर कल भी हो तो मैं घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, पंचांग देखो। अरे 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 अरे, बेटा घोड़ी चढ़ने को तैयार है, बाप घोड़ा दबाने को तैयार है, ये घोड़े घोड़ी के बीच में मेरी खटिया खड़ी ना हो जाए, मैं चला। चले कहाँ पंडित जी, चलने का नाम लिया तो इस दुनिया से चलता कर। अजी आप चुप भी रहिए, पहले इनके प्राण गले में अटके हुए हैं। पंडित जी आप मुहूर्त देखिए, देखिए ना। मातेश्वरी, बड़ा गड़बड़ घोटाला है, कल से आषाढ़ मास शुरू हो रहा है, इस महीने में कोई शुभ कार्य का योग नहीं और इससे अगले महीने में भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं, क्योंकि शुक्र वक्री है। अच्छा, तो असली विलन शुक्र है, कहाँ है वो? तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? धीरे रखिए दयालु, दो महीने के पश्चात शुक्र उच्च स्थान में बैठ जाएगा तो आपकी सब सब चिंताएं दूर हो जाएंगे और आपकी एक गोली भी नष्ट होने से बच जाएगी। ज्योति, 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 अभी तक सोए नहीं तुम? अगर प्रेमियों को नींद आ जाए तो कयामत ना आ जाए। तुम सो गई थी क्या? नहीं, कोशिश तो बहुत की। वैसे तुम कहाँ से बोल रहे हो, पुलिस स्टेशन से या घर से? मैं अपने घर से नहीं, तुम्हारे आश्रम के बाहर एक बड़ा पेड़ है ना, उसके ऊपर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं, ये बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की क्या सूझी तुम्हें? अरे यार, तुम टीचर कैसे बन गई समझ में नहीं आता, इतना भी नहीं मालूम कि इंसान इंसान बनने से पहले बंदर ही था? मतलब तुम अभी बंदर से इंसान नहीं बने? अरे पगली, प्यार में पागल हुए इंसान और दारू पिए हुए बंदर में ज्यादा फर्क नहीं होता। खैर छोड़ो ये बंदर की बात, कुछ अंदर की बात करो, कैसा है तुम्हारा आश्रम? सच कहूँ तो ये आश्रम नहीं, मंदिर है। इस मंदिर में मेरे जैसे गरीब लोगों को अंदर क्यों नहीं आने देते?
तुम उनके पीछे जाओ, उनको बचाने के लिए नहीं बल्कि जो उन्हें बचाने के लिए आए उसे रोकने के लिए। गो। Clear the place. Come on. नमस्ते कमिश्नर साहब, ये बस तो ओम आश्रम की है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। कांस्टेबल, ड्राइवर की लाश मिली? नहीं सर, इस बस में कोई ड्राइवर नहीं था। किसी बदमाश बच्चे ने दूसरे बच्चों को बस में बिठाकर उसे स्टार्ट कर दिया। बच्चों को ड्राइविंग तो आती नहीं थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? हमें डैडी ने फोन में बताया। डैडी? तुम्हारा डैडी कौन है? डैडी का मतलब ओम आश्रम के प्रिंसिपल। क्या तुम सब आश्रम में रहते हो? नहीं नहीं, हम आश्रम में नहीं रहते। शहर में हमारे अपने अपने मकान हैं, लेकिन आश्रम के लिए हमारे दिलों में श्रद्धा है। आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं कौन हूँ। हम सब ओम आश्रम के सेवक हैं और हमारी तरह इस शहर में 2.5 लाख लोग हैं। इसलिए आपसे विनती है कि ओम आश्रम जैसी धार्मिक संस्था पर आप पुलिस वाली शक की नज़र मत डालिए। इसी में आपका कल्याण है। इसके बावजूद अगर आपने कोई गलत कदम उठाया
तो इसका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। कमिश्नर साहब, जल्द से जल्द इन लाशों को आश्रम भिजवाने का प्रबंध कीजिए। ये पाप किसका, जीने से पहले ये मरना कैसा। रुकिए, आप इन लाशों को यहां तक ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप और कष्ट मत उठाइए, लाशों का सारा कार्य मेरे बच्चे संभाल लेंगे। जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, हम भी बच्चों का हाथ बटाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, पुलिस को आश्रम की सीमा के अंदर आने की आज्ञा नहीं है। क्यों? जब रक्षा करने के लिए धर्म यहाँ मौजूद है, तो फिर यहाँ पुलिस और मिलिट्री की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों, मैं जानता हूं जिन बच्चों की लाशें आज आपने ली वो एक्सीडेंट में नहीं मरे, उनका मर्डर किया गया है। भारत में हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार प्राप्त है। बोलो, जो मर्जी में आप बोलते जाओ। याद रखना, धर्म के नाम पर पाप करने वाले अधर्मियों का नाश होके रहता है। ऐसे अधर्मियों का नाश करना मनुष्य के वश में नहीं, इसके लिए तो भगवान को स्वयं अवतार बन के जन्म लेना पड़ता है। वो जरूर जन्म लेगा। दिस इज नहीं, मर्डर। मॉर्निंग सर। ये जो सर, एक्सीडेंट नहीं, ये सर वो मार्शम के जो बच्चे मरे हैं वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है सर। एक्सीडेंट नहीं, इट्स अ मर्डर।
मेरा विश्वास नहीं करता। हम आपके साथ हैं। वालों से बचकर अंदर कैसे है तुम? वक्त जाया मत करो, जल्दी नीचे आओ। ये क्या कर रहे हो सुभाष? इस आश्रम को तुम क्या कह रही थी? मंदिर है? हाँ, क्यों? यह मंदिर नहीं, शमशान है, नरक है, कब्रिस्तान है। सुभाष, मैं पूछता हूँ, अगर यह मंदिर है तो इसकी सुरक्षा के लिए इतने सारे बंदोबस्त क्यों? जान लेने वाले बंदूक क्यों? नोश खाने वाले शिकारी कुत्ते क्यों? पैरों को झकड़ने वाले ये शिकंजे क्यों? गार्ड में बहुत से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, अब मैं तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रुकने दूंगा, चलो मेरे साथ। पहले मुझे एक वचन दो कि तुम मेरी एक बात मानोगे। क्या? मुझे यहीं रहने दो। ज्योति, तुम्हें सिर्फ मेरी जान की फिक्र है सुभाष। कभी यह भी सोचा कि इस आश्रम के हजारों मासूम बच्चों का क्या होगा जिन्हें हम बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे? क्या उन बच्चों की किस्मत में से चलना मरना ही लिखा है? उनके लिए जो कुछ भी करना है मैं करूंगा, और जब तक गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। एक्सीडेंट में मरे हुए बच्चों की वो चीखें मैं कैसे बोल सकता हूँ जो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है? लेकिन बिना किसी सबूत के तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? अदालत भी क्या कर सकती है? इसलिए मैंने फैसला किया
कि मैं यहीं रहकर सारी बातों का पता चलाऊंगी और सबूत समेत तुम्हारे पास चली आऊंगी। तुमने मुझे वचन दिया है सुभाष कि तुम मेरी बात मानोगे। प्लीज बोलकर चल दिए, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? इनाम जरूर मिलेगा। सोला मेगा
परलाली रसवाली सत्रह में मुझे हो खाली मर्द वाले अठारह सालों में अहमदम आए दम कम उन्नीस सालों में समझे मन ये जीवन जवानी खिले बीस साल के बाद में से फिर 22 बस स्टैंड क्यू लड़की कहती है हाउ डू यू डू आई लव यू 23 से फिर 24 कार पर जोर लड़के फिरते हैं खोल के डोर हाँ खोल के डोर सुहानी बड़ी टीनेज की दोस्ती जो आएगा वो जाएगा तो कुर्बानी से क्या डरना ओ अगर शोलों पे चलना है तो फिर जलने से क्या डरना ओ बुजदिल मुझे रस्सी से बांधकर खुशियां मनाता है मर्द है तो रस्सी खोल फैसला हो जाए मैं नहीं या तू नहीं Hey!
ऐसे सबके सब मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? डैडी के साथ स्नान नहीं करोगे क्या? अच्छा, डैडी से बात भी नहीं करोगे क्या? नहीं, आज हम सबकी आपसे कट्टी। कट्टी? क्यों भाई? आपने प्रॉमिस किया था, हम सबको खिलौने लाके देंगे। कितने दिन हो गए? अभी तक नहीं दिए, इसलिए आपसे कट्टी। देखो भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो इन लोगों की है। हमने तुम्हारे वास्ते खिलौने लाने के लिए इन्हें शहर भेजा था एक महीना पहले, मगर ये लोग अब आए हैं और वो भी खाली हाथ। सॉरी सर, आपने जो खिलौने बोले थे वो मिले नहीं सर। अब बोलो बच्चों, कट्टी किससे करनी, हमसे या अंकल से? कैमरा वहीं पानी में गिर गया, वो कैमरा मिल जाए बस नेगेटिव भेज दूंगी। ज्योति, जब तक तुम वहां हो मैं यहां मर मर के जी रहा हूं। तुम्हारे आश्रम का वो डैडी इंसान नहीं, राक्षस है। तुम बड़ी होशियारी से रहना सुभाष। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झूठे, टीचर की नौकरी के बहाने तू बहू से सीआईडी का काम करवा रहा है। आंटी, ऐसे मौके पर दिल को पत्थर बना लेना चाहिए। कोशिश तो बहुत की, मगर क्या करूं, माँ का दिल है ना, पिघल ही जाता है। रुक जाओ, इनको बॉस ने बुलाया है। Thank you.
जानते हो? बताओ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? बताओ। तुम जवाब क्यों नहीं देते? Come on, tell me. बॉब एंटनी कहाँ है? मालूम नहीं सर। बहुत खूब, तुम जैसे खिलौनों को हमने चाबी देकर पुलिस डिपार्टमेंट में इसलिए रखवाया था ताकि हमारे दूसरे खिलौने महफूज रह सकें, और तुम कह रहे हो कि मालूम नहीं बॉब एंटनी जिंदा है या मर गया, इतना तो मालूम होगा? मेरे ख्याल से वो जिंदा है सर, मरा नहीं। जिंदा है? जिन जिन को मरना चाहिए था वो सारे के सारे जिंदा हैं। वो इंस्पेक्टर सुभाष जिंदा है, उसे खत्म करने के लिए जो बॉब एंटनी गया था वो जिंदा है, और अपनी ड्यूटी में नाकाम होने के बावजूद तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। अगर मारी गई तो सिर्फ हमारी अक्ल। हम ये भूल गए थे कि दो मालिकों की तनख्वाह खाने वाले लोग कब किससे वफादारी करेंगे और किससे गद्दारी, इसका कोई भरोसा नहीं। और इस बार लगता है कि तुम लोगों ने वफादारी पुलिस के साथ की है और गद्दारी हमसे, और हमसे गद्दारी की सजा क्या होती है ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। किधर? ज्योति,
ज्योति। आंटी, ज्योति कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। ज्योति बेटे कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। स्टॉप! इसकी मौत मेरे हाथ होगी। I love you, Subhash. इसे नीचे फेंक दो। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, जान से मार डाला है उस हत्यारे को, यहां से भागने मत दो, पकड़ लो उसे, हरी अप। ज्योति, ज्योति, तुम पुलिस ऑफिसर हो, रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, फिर तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी? बास्टर्ड! बास्टर्ड! मैं तुझे छोड़ दूँगा। चिल्ड्रन शांति, पापी को सजा देकर हमें क्रांति नहीं करनी है बच्चों, हमारा एक ही सपना है शांति, यही हमारी शिक्षा भी है और यही हमारे जीवन का आधार भी, इसलिए हमें शांति पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। इसको सजा देने के लिए यहाँ कानून है, पुलिस है, अदालत है, गार्ड्स ले जाओ इसे। किसने मेरी ज्योति को मारा? ये कातिल है, हत्यारा है, मुझे अपनी ज्योति की कसम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक पुलिस इंस्पेक्टर हमारे आश्रम के अंदर घुस आया और उसने एक मासूम टीचर की हत्या कर दी। हो सकता है कल कोई आतंकवादी अंदर घुस आए, परसों कोई देशद्रोही या खतरनाक डाकू आ धमके, इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, दिन रात अपने आश्रम पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी।
देश के लिए जियो, देश के लिए लड़ो। इस सोच में पड़ गए तुम लोग। वो एक मामूली इंस्पेक्टर है, हम अगर पहाड़ हैं तो वो मुट्ठी भर धूल है। मुट्ठी भर बारूद भी एक पहाड़ की छाती को छलनी कर सकता है। मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा ये रूप है। मेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे दिल की आंख।
हर हथियार की काट होती है, मगर मेरे इस हथियार की कोई काट नहीं। मान लो अगर बच्चे मिलिट्री या पुलिस के सामने खड़े हो जाए तो क्या इन बच्चों पर कोई गोली चला पाएगा? नहीं, इसलिए कि सभी बच्चों से प्यार करते हैं। वक्त पड़ने पर मैं इन बच्चों को अपने चारों तरफ दीवार बनाकर खड़ा कर दूंगा, जिस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकेगा। मैं तुम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम लोग मिसाइल बन जाओगे, फिर जो भी दीवार सामने आएगी तुम उसे तोड़ दोगे। जो डरे वो मरे, वो मरे जो डरे, तुम डरे तो सब डराएंगे। जो लड़े वो बढ़े, तुम लड़े तो बढ़े, लोग आके सर झुकाएंगे। Walk like a cat, listen like a dog, pull like a bull, a fox, attack like a tiger, attack like a tiger. जो डरे वो मरे जो डरे, तुम डरे तो सब डराएंगे। जो लड़े वो बढ़े, तुम लड़े तो बढ़े, लोग आके सर झुकाएंगे। हाथी गरजे जैसे वन में, तुम भी ऐसे रण में गरजो, रण में गरजो। साहस चीटी से लो, शत्रुओं को मिलकर खत्म कर दो, खत्म कर दो। बिल्ली से तुम फुर्ती सीखो, बुल से हमला करना सीखो, लोमड़ी से लो चालाकी, चीते जैसा तुम भी झप दो। सारा धन आंख बने यू देखो, जूझो तुम हार जीत ना सोचो। जो डरे वो मरे, वो मरे जो डरे, तुम डरे तो सब डराएंगे। जो लड़े वो बढ़े, तुम लड़े तो बढ़े, लोग आके सर झुकाएंगे। Watch like an eagle, jump like a cheetah, breathe like a snake, run like a horse, attack like a tiger, attack like a tiger. अजगर जैसे पकड़े फिर न छोड़, तुम भी ऐसे जी लो, ऐसे जी लो। चुपके चुपके तुम भी जोंक जैसे बन के खून पी लो, खून पी लो। उछलो ऐसे हिरण जैसे, दौड़ो तुम भी घोड़े जैसे, बाज ऐसी आंख रखो, मगर जैसा मुंह से पकड़ो। टकरा तेज लिए तीरों की, मरना भी जिंदगी है वीरों की। जो डरे वो मरे, वो मरे जो डरे, तुम डरे तो सब डराएंगे। जो लड़े वो बढ़े, तुम लड़े तो बढ़े, लोग आकर सर झुकाएंगे।
Listen like a dog. Pull like a bull. Think like a fox. Attack like a tiger. Attack like a tiger. देखा देखा भी अपनी इज्जत बचाना चाहे तो उसे कोई नहीं लूट सकता। तुम्हारी इज्जत ये क्या लूटेंगे? भागती क्यों हो? भागने और पुकारने से कुछ हासिल नहीं होता। इज्जत उसी की बचती है जो लड़ना जानता है। तो तुम लोग इसे रेप करना चाहते हो? मैं बीच में नहीं आऊंगा। करो भैया, जाओ उठाओ हथियार और लड़ो उनसे, ताकि आज ये पता चल सके कि औरत की इज्जत बड़ी है या मर्दों की हवस। गो ऑन फाइट। नहीं नहीं भैया, ये मुझसे नहीं होगा। जो इज्जत बचाने के लिए लड़ नहीं सकती वो औरत ही नहीं। अगर इस सीने में कहीं औरत का दिल है तो जा, जाके लड़। वैसे एक दूसरा रास्ता भी है। उठाओ हथियार और अपनी गर्दन काट लो। दो ही रास्ते हैं, काट दो या कट जाओ। धरती पर गिरी हो तो धरती की सारी शक्ति लेकर उठो। मार। नोच ले उन गंदी आंखों को। आ, 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 आ,
ये सब क्या है? ये है तुम्हारा आज का कानून। इसी की तरह तुम्हारा कानून भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आजकल भागता फिरता है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जरूर हो जाता अगर ये भी तुम्हारी तरह कानून के आर्डर का इंतजार करती। ये सब कहने के बावजूद तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते कि तुमने इंस्पेक्टर होकर भी कानून को अपने हाथ में लिया है। लेकिन उनसे तो अच्छा हूं जो कानून को झूठा समझकर पांव में पहनते हैं और दूसरों के कलेजे पर ठोकर मारते हैं। तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है या नहीं। हाँ, लिया है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह एक वर्दी वाला रिश्वत लेता है, उस तरह नहीं जिस तरह एक मुजरिम हथियार पकड़ता है। मैंने कानून को अपने हाथ में लिया भी है तो गीता की तरह, वही गीता जिसमें कुरुक्षेत्र है, धर्म युद्ध है। अगर तुम्हारी तरह हर आदमी धर्म युद्ध लड़ने लगे तो सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि ये दुनिया भी वीरान हो जाएगी। होती है तो हो जाए, मिट्टी जलती है तो जल जाए, मगर मिट्टी की कोख से मैं जहर की फसल नहीं उगने दूंगा और मैं मिट्टी को नहीं जलने दूंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता भरत, मैं डैडी को उसके राज्य समेत बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी ज्योति और मासूम बच्चों का हत्यारा है। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? मेरे पास उसके लिए सबूत नहीं, सिर्फ मौत है। दोस्त हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूं। दोस्त हो इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। सुन लो, उस हत्यारे डैडी को मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखो, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वही सत्य और न्याय का रास्ता है। हमारे तीन आदमी पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस भारी तादाद में आश्रम की तरफ बढ़ रही है। पुलिस को आश्रम के अंदर आने की इजाजत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हमारी लाशों पर चल के जाना पड़ेगा। मैंने एक दिन कहा था ना कि मेरे बच्चे ऐसी दीवार है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। Thank you.
उसे अंदर घुसने से पहले ही खत्म कर दो। I say kill him. बच्चों को मैंने पाला, बड़ा किया, ये मेरे साथ रहे और इन्हें मेरे साथ ही मरना होगा।
तुम इनको मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं, मेरे बच्चे। किसी एक की जागीर नहीं होते, ये बच्चे इस देश की अमानत हैं, इस देश का भविष्य है, और मैं इस देश के भविष्य को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। देख इन बच्चों के शरीरों पर अपने अत्याचारों के निशान, देख जो चीख चीख के पुकार रहे हैं कि जितनी भी सजा तुझे दी जाए वो कम है। खामोश, मुझे सजा देने वाला इस धरती पर कोई नहीं। सुभाष,